अगर गिफ्ट भी देवे के रहे तो कुछ ढंग के गिफ्ट दिले रहता, ऐसे ही बाजार में से कुछ भी उठावे के का जरूरत रहे। कौन सा हम तेरा से मांगे गए रनीश, अंकल हमरा के हिंदू से कभी अलग न कर सकेलन, कभी ना। हम हिंदू के हर सुख सुविधा हर अरमान के पूरा करे के कोशिश करब, बाकी बाकी अंकल के उनकर साजिश में कभी पूरा ना होके थे। अगर बाबूजी की कमाई से घर में चार पैसा आवता था, एमें बुराई का बा? आ वैसे भी बाबूजी जी कर रहल बाड़न वो हमने ही खातिर से कर रहल बाड़न, तो एमें का गलत चीज बा? रउआ पता बा कि एकरा से बात कर रहल बानी? हैं? ये हकड़ी कहीं और जाके दिखाए। अच्छा, महेंद्र राय के नाम सुन ले बानी। अभी कौनो हालत में हमरा के पैसा के बहुत जोड़ी? हाँ, कैसे? ठीक बात है, खत्म। ये हम का सुन रहल बानी ईश्वर? बाबूजी के लेके ये लोग के कौनो गलत काम भी है कि ये लोग जौन कह रहल बारन तो हमार बाबूजी कभी ना कर सके? हाँ, वह हम सोचत रहिए कि अरे पैसे का जरूरत तो केहू के हो सके, और अब तो तहार घरे बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत हो गए, पर ये सब करे के का जरूरत है? अब देखा हम का कोर्ट कचेरी के चक्कर लगावे के पड़ जाए। और हम तो ये सोचत रहे कि इतना पैसे का जरूरत रहे तो हमला से कह देवे के चाहत रहे। अरे जितना जरूरत रहे हम ओकरा से ज्यादा दे देती। हाँ मखा बैठल बैठल बेइज्जती तो ना ना सहे के पड़त, बतावा। देखी बहुत हो गई, सहे की भी एगो सीमा हो खेला। राहु हमारे पिता समान बानी, ऐसे हम चुप बानी, लेकिन एक मतलब ई ना कि रउआ जे मन में आए जौन मन में आए रउआ बोलत जाए। हम अपन बाबूजी के अच्छी तरह से जाने, हमारे बाबूजी कबो ऐसे ना कर सकेल। बचपन से हमनी के बतले बड़न कि जौन बा जितना बा ओ में सुखी रह के सीख, और हमारे बाबूजी रिश्वत और बाबूजी रिश्वत कबो न ले सके। रिश्वत लेवे के तो दूर के बात, वो कभी ऐसा सपना में भी न सोच सकता रहा। अरे ईश्वर बेटा तहार बात ठीक बा, पर का है ना कि मजबूरी ऐसा चीज बा जे इंसान के संकोच के ताक पे रख देला, और जे ई काम करे के मजबूर हो जाला, जैसन कि ई हो गए, समझला ना? जैसे तू आज मजबूर बाड़ा तो हम तुहार मदद करे आयल बानी ना बेटा। हमारा राउर मदद के कोनो जरूरत नहीं है, गरीब जरूर बानी बाकी मजबूर ना, और हमार भी कोनो सेल्फ रिस्पेक्ट बा। मुश्किल से कैसे निकले के बा एकर हाल हम निकाल ले, रहुआ एकर चिंता ना कर। अरे कैसे कर ले बा बेटा? है अरे तुहार पैसे का जरूरत बा, अब तुहार पल्ले तो पैसे ना ना तो हम देता नहीं तो रख ला, अरे फिर कबो लौटा दिया, कोनो जल्दी नहीं खे। पर आपन अभी ये मुसीबत से तो आपन की निपटारा कर ला, और बाबूजी के छुड़ा ला बेटा, समझा? हम जाने नहीं अंकल, इस सब रौड़े बिछावल चाल बा। रउआ हमरा कभी पसंद न करी, हमरा कभी लाइक न करी, लेकिन रउआ दुश्मनी हमरा से रहे, ये हमरा से निकाले के चाहत रहे। अरे तू का कर रहल बा ईश्वर, हमरा के तो कुछ समझे में नहीं क्या हुआ। लेकिन हमरा सब कुछ समझ में आ रहल बा। पहले तो रउआ हमारे निर्दोष बाबूजी के फंसवा के हवालात में बंद करवा दे, और अब उनका छुड़ावे के एहसान करके हमनी के नीचा दिखावे के कोशिश कर रहल बा। तू क्या कह रहा बड़ा? तू डैड से कैसे बात कर रहा बड़ा ईश्वर? बड़ा के कुछ समझ में आवता? तू डैड के प्रेम कर रहा बड़ा? डैड के जे हर प्रॉब्लम है तेरा बारे में तेरा के सपोर्ट करे के सोचेला? तू उनके गलत समझता रहा ईश्वर? उनके तेरा अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं क्या? तो अगर डैड ऐसा सोच ले तो डाक लग गई। ये सुन के हमरा बहुत ताज्जुब हो रहा बा कि हमार बाबूजी के बारे में जौन अंकल सोच रहा बाड़न
ये तू सोच रहा बारू? ईश्वर, हम बाबूजी के बारे में गलत नहीं सोचा, तू हमरा के गलत समझ रहा बारा। बस हम ये कहते नहीं कि ऐसे सिचुएशन में केहू से भी ऐसा काम हो सकेला। हमर डैड गलत का सोच ले। तू चुप रहा इंदु, तारा के पता ना बाकी तहार डैडी के कहे के मतलब क्या रहे? बस ईश्वर, बहुत हो गए, बार बार डैडी पे आरोप लगाए, बंद कर। कहे से कि अब हम डैडी के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन सकेले ईश्वर। ये हमू कहे के कोशिश कर रहा बानी कि हमू अपन बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन सकता नहीं। बट हम तो ये सोचते रहे कि तू तो हमारे बाबूजी के अच्छी तरह से जाने लो, लेकिन ना, तू हमारे बाबूजी के खिलाफ। ईश्वर, अगर आज हम ऐसा कर रहा बानी ना, तो वो कहे कि हमारे पास एको कारण बा, जे आज तरह के मालूम नहीं की का तरह के पता बा कि घर में पैसा के लेके कितना दंगी चल रहा बा। हाँ, जब वो दिन कामनी दीदी आई लड़ी ना, तो उनका के गिफ्ट देवे खाते घर में पैसा ना रहे, तब माई बाबूजी से कहे अपन पहला चेन सोने का चेन बेचवा के उनका के गिफ्ट दे ली का? हाँ। तैयार हो गए लो, जा जाके पहले नाश्ता कर ला। जी आंटी। आंटी, आज अंकल नाश्ता करे ना आइलन? अरे तहार अंकल के तहार नाश्ता करे का फुर्सत ना मिलल, चल गेलन सवेरे सवेरे ईश्वर के बाबूजी के छुड़ावे खातिर। छुड़ावे खातिर? कहाँ से छुड़ावे खातिर? अरे इतना तो हमों के नहीं के पता, बस इतने पता बा कि रिश्वत लेवे के जुर्म में पुलिस उनके पकड़ के पिरबोहर थाना लेके चल गई। हर अंकल गई हूँ ये खातिर, अब भी छुड़ा ली है। अच्छा, विश्वास नहीं होता? अरे हमो के विश्वास ना होते रहे, बतावा तो देखे में एकदम गाय नियर सीधा लागे लन। का जाने का भैल हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आवत हो। काम है बुझाता, भारी चिंता में पड़ गल बाड़ू ना। अरे साली बेटा, हम तो कहत बाड़ी कि ये समय तोहरा के ईश्वर के पास जाए के चाही, काहे कि तू ईश्वर का अच्छा दोस्त बाड़ू ना, तू जेबू ना तो के अच्छा लगी। कहा जाना कि मुसीबत में अपन लोग के देख के ना हौसला बढ़ेला, समझ लो कि ना। कहा जाने का हो गई सब, अभी तो कुछ समझ में नहीं किया हो तो। अभिषेक जी के फोन करने के चाहिए। अरे वकील साहब, रोवाई हाँ यहाँ पे कष्ट कैसे गई नहीं, कोनो काम रहते एक फोन कर देती। अरे ना ना पांडे जी, घरे का मामला है, यही से सोचने की। अच्छा अच्छा, ठीक बा ठीक बा, बैठी बैठी ना, बताइए क्या मंगा दी, चाय कॉफी? अरे ना ना, कुछ ना, इनका से मिल ये हमार दमाद बाड़ा ईश्वर। अच्छा अच्छा, तो ये रहा और दमाद बाड़ा। अच्छा ठीक बा, तो बताइए क्या करेगा चाहता नहीं? मनोहर बाबू का जमानत केला पढ़ला, सब जरूरत के डॉक्यूमेंट ई में बा, अब बोला कहाँ साइन करके पड़ी। अरे ओकर कोनो जरूरत नहीं के। अरे सिंह जी। जी साहब। ये फाइल रख दो। अच्छा, तो बतावा फाइन के अमाउंट कितना रही? अरे वकील साहब, इतना अमाउंट रहुआ के लिए कहा बा, समंदर के लिए एक लोटा पानी। पांडे जी, आज अगर समुंदर रहत ना वो दे देते, काहे से कि ये हमार घर का मामला, घर के मामले में कबो पैसा ना दे, समझ लो ना, सिर्फ घर का। देख लो ईश्वर,
ई बाड़ा नवा डैड जे हमने के बारे में कितना अच्छा सोचेला आ तू बाड़ा के उनके बारे में कितना गलत सोचत रहला। आंटी रुआ घबराई मत, सब ठीक हो जाए। इंदु तू ठीक तो बाड़ू ना? आंटी जी इनका से मिला, इनका नाम हो डॉक्टर अभिषेक, एकदम यंग और डायनामिक डॉक्टर बाड़ और हमारे फैमिली मेंबर भी घर का सदस्य वारन भाई। अच्छा अच्छा बड़ी खुशी भेल मिलके। अरे बैठी ना बैठी, खड़ा का है मानी? आई बेटा बैठ। देखा ईश्वर ये बेल हो गया के मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया। ये रेलवे के मामला है, केस कोर्ट तक जाए आज जब ले कोई डिसीजन नहीं है आवत तार बाबूजी सस्पेंड। कहे ना भाई अब जब वकील साहब आ गेल बानी तो उनका बेल तो मिल ही जाए, बाकी तारा के एक बात बता देता नहीं आज ससुर जी तारा काम आ गई ना तो तारा बाबूजी के बेल इतना आसानी से ना होए वाला रहे। अरे ना 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 पांडे जी टिका कर बड़ा, अरे हमारे घर का मामला और परिवार के बेइज्जती मतलब हमार बेइज्जती कि हम कभी सहन न कर सके। देखा ईश्वर ये बेल हो गया के मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया, ये रेलवे के मामला है, केस कोर्ट तक जाए आज जब ले कोई डिसीजन नहीं है आवत तार बाबूजी सस्पेंड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमार बाबूजी बिल्कुल निर्दोष वाड़ा, हमार बाबूजी के जरूर कोनो साजिश के तहत फसावल के वो बिल्कुल निर्दोष वाड़ा। चलिए हम मान लेनी, लेकिन ये बात कोर्ट कैसे मानी? कोर्ट में साबित कर सालों लग जाए और ये बात हमरा से ज्यादा राउर ससुर जी समझा सके, कहे कि ऐसा हजारों केस डील कैले बाड़ा। देखा ईश्वर हमारे को सलाह बा कोनो मंत्री नेता के पैर भी लगा के केस की रफा दफा करवा ला, कहे कि ऐसा मामला में पैरवी ही ज्यादा काम आवेला। अरे सिंह जी। जी साहब। अरे मनोहर सिंह के बाहर निकाल के लावा हो। ले आवा बानी साहब। हाँ हाँ अरे वोट खातिर थोड़ा बहुत कमिटमेंट तो कर ही के पड़ी। हाँ ये कह सकेला। हाँ बाकी एक बात का ध्यान जरूर रखिए। बताओ रे चोरी तू ही कैले रहले है ना? नहीं नहीं बोल बे तू ही तो कैले रहले है बोल। जाओ ना। जी साहब चल 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 चल। अरे दूसरा फोन आवता हम तोरा से बाद में बात करते हैं, फोन रख ठीक चल। राम राम गुड्डू भैया। अरे हम पांडे पीरबोर थाना से। हाँ राम राम पांडे बोला, कहल मुताबिक काम हो रहा बाकी ना? अरे एकदम भैया वे खुशखबरी सुनावे खातिर रहुआ को फोन कर दिया, जैसे रहुआ चाहत रहनी काम ठीक वही तरीका से हो रहा बा, काले से पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा रहे। उनका नाम हो लेकर के ईश्वर। हाँ साला बहुत फड़फड़ाट रहे लेकिन रहुआ कहे अनुसार एकदम दबा के रखनी, साले के फड़फड़ा ना देनी। भैया वकील महेंद्र राय आए रहे उनका जमानत खातिर। जमानत तो हो गए, बाकी एक बात उनका कान में हम डाल देने कि केस अभी लंबा खींच सकेला, रेलवे का मामला है अभी केस चली तो खातिर वह चिंता मत करियो। आई केस के बेस पर ईश्वर के साले के इतना हम खींचब इतना लंबराय ना कि चरण में आवे के सिवा कोई चारा ना बचे, चिंता मत करियो। बहुत बढ़िया पांडे बहुत बढ़िया, बस अब तू ऐसे ही उनके गला में फंदा डाल के रख दे जब हम इशारा करी तब यह फंदा तू थोड़ा जोर से जी बुझा कि ना वो हो जाए चिंता मत करियो।
फोन रख, बात कर। अच्छा अच्छा जी भैया। तू एकदम सही कह रहा बाड़ू साले, हमारा पूरा यकीन बा कि ये काम एक के आदमी के हो सके। अब आदमी बाड़न एडवोकेट महेंद्र राय। ना हमरा ना चाहिए। इंदु तू बैठ। अरे आटे ले। अभी तक आकर उनकर आंख लागल है, नाता एक टके दिवाली की ओर देख के तनिका तनिका देर में यह कहत रहलना कौशल्या इका हो गई, बुढ़ापा में इतना बदनामी ये दिन देखे से पहले मर काहे ना गई थी। प्लीज चुप हो जाए, देखिए ऐसे रोक तो कैसे काम चले। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाए। आंटी देखिए रउआ लोग ऐसे हिम्मत हार जाए तो फिर अंकल के कैसे संभाली। देखिए अभी तो समय है कि रउआ लोग हिम्मत से काम ले ना तो अंकल आउट टूट जाए। इतना उम्र हो गई, इतना साल की नौकरी हो गई, लेकिन क्यों के मचाल रहे कि इनका ऊपर के उंगली उठा दे। हाँ बुढ़ापा में ऐसे कलंक लाग गई बा कि कर धोवे के कोनो उपाय नहीं के। ये बर्दाश्त कैसे करी बेटा, ना ये बर्दाश्त ना कर पाई हन। ईश्वर अरे कम से कम अब तू तो अपना के संभारा। देखा अब तरह के ही पूरा घर के देखे गया, बाकी बात रह अंकल के ता वो तो छूट गए ना, और आगे के बाद तब महेंद्र अंकल कुल देख लिया। अभिषेक जी एकदम ठीक कर रहे बड़े ईश्वर, आज बाबूजी अगर लिया भले ना तो सिर्फ डैड की वजह से, ना तो इम्पॉसिबल रहे। आप इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा फाइन कहाँ से कर दिया हमने क्या अरेंज? 25,000 रुपए हमरा तो लगा था कि अंकल के फसावल गिलवा। तू एकदम सही करार कर सके, हमरा पूरा यकीन बा कि ये काम एक के आदमी के हो सके। अब आदमी कारण एडवोकेट महेंद्र राय। ईश्वर हमके नहीं खेला गा थी ए बार डैडी के में कौन हाथ बा कहे तारा के पहले जॉन कुछ भी भइल तो तब पते बा ना, आगे जॉन होए वाला बा हमरा के पता। अरे अंकल कभी हमरा के दिल से एक्सेप्ट करवे न कहला। अरे परेश्वर अगर ऐसे नहीं होखे तब डैडी हमने के ब्याह काहे करा था? हमनी के हमेशा हमेशा खातिर अलग करावे ले। पता नहीं घर में क्या हो रहा है। आंटी घबराई मत, सब ठीक हो जाए।
अचरज से ये बात के बाद कि ये शुभ काम राव ना कहने पर कैलाश के राजकुमारी धीरज रखा हो धीरज यह बात के बहुत जल्दी पता चल जाए कि वो काम के कैलाश वो जे केहू भी हो मगर आयल हमार शुभ चिंतक बन गए अब देख जे हम सोचत रहे काम कर दे अरे तीकू बाकी इतीर जाके सीधा हमार निशाने पे लगता हमार